बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और अहम वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज का जो टॉपिक है वो है UBL अमीन तेज़ रफ्तार आसान रेमिटेंस अकाउंट। आसान रेमिटेंस, तेज़ रफ्तार का मतलब ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अपने पाकिस्तान में अपने प्यारों को अपने रेमिटेंसेज भेजते हैं, तो उनके लिए इस्लामिक बैंकिंग में अमीन तेज़ रफ्तार आसान रेमिटेंस अकाउंट भी है। इसकी दो कैटेगरीज हैं, इसमें करंट भी है, सेविंग भी है। तो मैं आज आपके साथ करंट और सेविंग दोनों एक्सप्लेन करने लगा हूँ। तो सेविंग को डिस्कस करते हैं कि आपको इसके ऊपर प्रॉफिट भी मिलेगा और क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, आपने अपना जो है ना अदर जिनको जिन्होंने पेमेंट भेजनी है उनको अपना अकाउंट नंबर विद IBN भेजेंगे तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी। ठीक है, करंट अकाउंट के भी यही फीचर हैं आसान, और सेविंग अकाउंट के फीचर्स उसमें एक्स्ट्रा हैं, बाकी हैं तकरीबन यही बेनिफिट्स। और उसमें यह है कि आपको सेमी एनुअली बेसिस पे हर 6 महीने बाद प्रॉफिट भी मिलेगा, जितना आपका अकाउंट में डिपॉजिट होगा पर डे के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। की फीचर्स में है इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग एंड एक्टिवेशन वाय बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। आपको बैंक जाना पड़ेगा, आपने एक अकाउंट ओपन कराना है और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। आपको फ्री SMS अलर्ट मिलेगा जब भी आपकी रेमिटेंस अकाउंट में आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। ठीक हो गया, अगर आपकी शिनाख्ती कार्ड के ऊपर पेमेंट रेमिटेंस आई है तो आप कैश काउंटर पर ठहर के उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या पार्शल पेमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि कुछ उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, कुछ कैश ले सकते हैं। इसमें कोई इनिशियल डिपॉजिट नहीं देना, कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखना, कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है। आपको फ्री SMS अलर्ट मिलेगा मोबाइल के ऊपर जिसने अपने अकाउंट में मोबाइल नंबर दिया होगा। ठीक हो गया, इसके बाद है नो विदहोल्डिंग टैक्स ऑन कैश विड्रॉल सिंस अकाउंट विल ओनली बी फेड थ्रू होम रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड ओनली। जब आपका ये अकाउंट अगर बाहर की रेमिटेंस से ही अकाउंट में पेमेंट आएगी तो आपको इसके ऊपर कोई विदहोल्डिंग टैक्स नहीं होगा। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसके ऊपर अगर आप 1 लाख 10 लाख 20 लाख निकालते हैं कोई विदहोल्डिंग टैक्स नहीं है, बाकी अकाउंटों पे विदहोल्डिंग है। 600 रुपये 1 लाख के ऊपर कटते हैं इसकी। ठीक है, ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है? पर मंथ आप 30 लाख रुपये इसमें मंगवा सकते हैं। कैश विड्रॉल जो पर डे एक दिन में है आप 5 लाख बगैर टैक्स के निकाल सकते हैं। फंड्स ट्रांसफ़र लिमिट 5 लाख ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। और क्रेडिट अलाउड पर मंथ 10 लाख रुपये इसमें लोकल क्रेडिट, इसमें 10 लाख रुपए आप जमा भी पर मंथ में कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसको अकाउंट ओपन करने के लिए? आपका शिनाख्ती कार्ड लेके जाएं बैंक में और UBL अमीन तेज़ रफ्तार सेविंग अकाउंट ओपन करें, सिंगल करें या जॉइंटली करें। सोर्स ऑफ डिपॉजिट इसके लिए कोई नहीं है। ठीक है, और आपने जस्ट अपनी होम रेमिटेंस के पर्पज़ के लिए अकाउंट है तो आपको CNIC ही ज़रूरत पड़ेगा। की बेनिफिट्स है नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, फ्री चेकबुक, फ्री ATM, पेपॉक डेबिट कार्ड, फ्री एक्सीडेंटल तकाफल कवरेज है। नो प्रॉफिट इज़ पेड ऑन अमीन तेज़ रफ्तार रेमिटेंस करंट अकाउंट, बट प्रॉफिट ऑन अमीन तेज़ रफ्तार सेविंग अकाउंट जो कि आपको मंथली बेसिस पे होगा और हाफ ईयरली बेसिस पे आपको पेमेंट मिलेगी। आपको गो ग्रीन SMS अलर्ट भी रिसीव होगा। अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसका परसेंटेज क्या है। तो इसमें परसेंटेज 8% चल रही है, आपको मंथली बेस पे 8% कैलकुलेशन होगी और आपको इसका जो प्रॉफिट है वो सेमी एनुअली 30 जून और यकम जो 31 दिसंबर होगा उस पर कैलकुलेट होगा। 1 जुलाई और 1 जनवरी आपके अकाउंट में 6 मंथ का प्रॉफिट क्रेडिट होगा। तो बहुत ज़बरदस्त अकाउंट है और आप इसको ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो फिलफोर अपना ये अकाउंट ओपन करें और टैक्स फ्री हो के अपनी रेमिटेंस अपने घर वालों तक पहुँचाएँ। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ बेल के आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि इस तरह की अहम मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लाजमी टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं अगले हम टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।